बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं सैफुल कहार और आज हम ऑनलाइन कोर्स जो सेफ्टी से रिलेटेड है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो अक्टूबर 2019 के इस नए कोर्स को जिसका नाम IG1 रखा गया है, जो पहले IGC था अब उसे IG का इंटरनेशनल जर्नल कर दिया गया है, इसको बेसिकली वो डिग्री की तरफ लेके जा रहे हैं, इसलिए सर्टिफिकेट का लफ्ज उसके साथ से उतार दिया गया है। तो अब पुराने कोर्स में ये था कि उसमें 70% प्रैक्टिकल थ्योरी थी और जो 30% है वो प्रैक्टिकल था, और उसमें खामी ये थी कि जब निबोश करने के बाद स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते थे तो वहाँ उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आती थी। तो अब ये इन्होंने किया कि अब इन्होंने इसके अंदर 70% प्रैक्टिकल कर दिया और 30% थ्योरी कर दी, यानी कि आपको एक पेपर देना होगा IG1 का, और जो IG2 है वो हमने अपनी वर्क प्लेस पे या अपने अदारे के अंदर बैठकर और विजिट करके वो हमने करना होगा। तो अब ये देखें कि ये जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है ये चार हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले तो हम बुक को पढ़ेंगे, बुक की तरह की रीडिंग करेंगे, हम आपको नोट्स देंगे, वो नोट्स जो है बुक के हिसाब से बनाए गए हैं, उनमें कोई टॉपिक छोड़ा नहीं गया, कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं है, वो बिल्कुल सीधे सीधे हैं। तो सबसे पहले तो हम उस हिसाब से इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर ये होगा कि सवालात जो हैं क्वेश्चन वाइज हम आपसे पूछेंगे और आपको बताएंगे कि जो मतवक्को क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर के हिसाब से वो हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि पहले होता था कमांड वर्ड्स का सिस्टम, अब कमांड वर्ड्स की बजाय प्लेन इंग्लिश आ गई है, तो इसमें हम व्हाट व्हाई हूज इस तरह करके जो सिंपल तरीके हैं उस हिसाब से आपसे पूछेंगे। फिर नंबर 3 पे जो तीसरा हिस्सा होगा वो सिंपल टेस्ट सिस्टम है, एक एक दो दो तीन तीन सवालात करके, और फिर उसके बाद कंप्लीट टेस्ट सिस्टम 4th नंबर पर आएगा, जो कि पेपर के हिसाब से पूरे पूरे पेपर के हिसाब से तैयारी करवाई जाती है। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे बच्चे दो किस्म की बड़ी गलतियां करते हैं जो फेल होने का सबब बनती है। पहली ये कि उनकी लिखाई दुरुस्त नहीं होती, अक्सर हमने देखा है कि BWLFTSR ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो हमारे गलत होते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता, हम अपनी तरफ से बिल्कुल सही याद भी करते हैं और सही लिख कर भी आते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। दूसरी चीज़ एक बहुत बड़ी अहम जो होती है कि हमारी रफ्तार तेज़ नहीं होती और हमें टाइम मैनेजमेंट का सही पता नहीं होता कि हमारे पास अगर फर्ज करें 30 क्वेश्चन है तो हमने किस तरह से टाइम को मैनेज करना है कि हम उस टाइम के अंदर अंदर वो सारे सवाल हल कर सकें। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि वो एंड तक उनका मुकम्मल ही नहीं हो पाता, तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है इसमें खामी है। इसके बाद इसके लिए खास हम ख्याल रखते हैं, ठीक है। इसके बाद तरीकाकार ये है कि रोजाना के हिसाब से आपको एक लेक्चर आएगा, एक तो हम रिटर्न नोट्स आपको भेजेंगे जो PDF फॉर्म में होंगे, वो PDF फॉर्म में जो आपने नोट्स हैं वो उनको संभाल लेना है, उनको आपने देखना है और उसमें से उसका प्रिंट निकाल लें या उसे कंप्यूटर में कर लें या किसी भी तरीके से, ज़्यादा बेहतर है कि उसका प्रिंट निकाल लें, उसे अपने सामने रखें और हर क्वेश्चन के सामने जो है वो आपका ऑडियो लेक्चर जो है वो साथ ओपन करें, ऑडियो 1, 2, 3 इस तरह से जो आपको आएगी वो आपने तरतीब वाइज खोलते जाना है। अच्छा, फिर आपने ऑडियो को एक बार सुनना है, दो बार सुनना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको देखना है कि अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आपने फिर उसके बाद व्हाट्सएप के ऊपर या जो भी तरीका का इस्तेमाल हो रहा है हमारे आपके साथ उसमें आपने एक रिकॉर्डिंग करके भेजना है कि ये मुझे चीज़ की समझ नहीं आ रही, इस क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, इस लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही, इस तरीकाकार की समझ नहीं आ रही, या मुझे ये बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिन लोगों को ज़्यादा मुश्किल लगेगा उनके लिए हमने एक और तरीका इख्तियार किया है, लेकिन वो नॉर्मली हम कहते हैं कि उसको फॉलो ना करें, वो शॉर्टकट तरीका उसमें यह कि सवालात को मुख्तसर कर दिया गया है ताकि आसानी के साथ आपको याद हो जाए। उसके बाद ये है कि आपने फिर जब आपको क्वेश्चन समझ आ जाए फिर उसे याद करें, याद करने के बाद उसे कागज़ पर लिखें, लिखने के बाद उसकी एक अच्छी तस्वीर बनाएं और हमें व्हाट्सएप पर वापस भेज दें, ठीक है। हम उसको चेक करेंगे, आपकी गलतियाँ देखेंगे, दोनों किस्म की गलतियाँ देखेंगे, तीनों किस्म की गलतियाँ देखेंगे। सबसे पहले तो ये गलती देखें कि आपके अल्फाज में कोई गड़बड़ ना हो, दूसरी ये कि आपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखा कि नहीं, क्योंकि आपने शुरू में टाइम लिखना है कि मैंने इतने बजे शुरू किया और इतने मिनट में मैंने इसको मुकम्मल कर लिया, और तीसरी चीज़ उसमें टेक्निकल कोई गलती तो नहीं है, जैसा कि उसमें कोई जो आपने लिखा है वो चीज़ गलत तो नहीं है। ये सब चीज़ें ना अपनी अपनी जगह अहमियत है, ये आपको साथ साथ हम गाइड करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसके बाद अभी हम आपको शुरू करेंगे, जो आपका जहन में क्वेश्चन हो वो आप लाजमी पूछेगा। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने ऑनलाइन, मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ एक मखसूस टाइम पे ऑनलाइन होना, ये बहुत अच्छा तरीका जो हमने बनाया, वरना उसमें यह था कि आप भी उधर से ऑनलाइन हम भी ऑनलाइन, कभी आप टाइम पर नहीं पहुँचे, कभी हमारा कोई मसला हो गया, कभी फला नहीं हुआ। अभी हमने आपको रिकॉर्डिंग भेजनी है, 24 घंटों में आपके पास जितना भी टाइम हो आपने उसको सुन के उसको लिख के हमें भेज देना है, बेसिक देख के लिख दें ताकि आपकी कम से कम आपको प्रैक्टिस तो हो जाए ना कि हमने कैसे लिखना है। तो अब हम आते हैं इसकी तरफ, जो हमारा पहला चैप्टर है, मैं इसको थोड़ा सा आपको पहले इंट्रोडक्शन करवा दूं। इस चैप्टर का नाम है व्हाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी।
क्यों हमें जो हेल्थ एंड सेफ्टी है वर्क प्लेस की, वर्क प्लेस एक ऐसी जगह जहाँ पे काम होता है, तो जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे हमें हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी या जो वहाँ की चीज़ों का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है, इन्होंने पहले में तीन किस्म की चीज़ें थी, अब इन्होंने दो कर दी हैं। इन्होंने अब ये कर दिया कि उन्होंने मॉरल एंड फाइनेंशियल दोनों चीज़ों को जो है वो दे दिया कि भाई ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि इंट्रोडक्शन टू की टर्म्स, पहले जो बेसिक सेफ्टी क्या होती है, फलां क्या होता है, बेसिक जो चीज़ें इसकी, तो उसके बाद आ गया मॉरल रीज़न फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, इखलाकी जिम्मेदारी क्या है हमारी, क्यों है हमारी इखलाकी जिम्मेदारी कि हम हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखें। जैसे हम कहते हैं कि जो आप लोग के मतहत काम कर रहे हैं, अगर वो मजदूर आपके पास काम करें, उनको चाय दें, उनको पानी दें, उनको टॉयलेट फैसिलिटी दें, उनको जो है वो हैंड वॉश की सहूलत दें, उन्हें खाना खाने के लिए कुछ साफ जगह बैठ के दें, ठीक है, खाना गर्म करने की सहूलत दें, इस किस्म की ये सहूलतें, ये सारी इखलाकी हमारी जिम्मेदारियाँ। फिर फाइनेंशियल रीज़न है कि फाइनेंशियल रीज़न में बड़ी खास स्पेशल टॉपिक है कि क्यों हमें ज़रूरी है और इसका क्या नुकसान होता है, मतलब अगर हादसा हो गया तो उससे हमारे ऊपर क्या क्या असरात पड़ते हैं, ये सारे हम डिटेल के साथ करेंगे। फिर उसके बाद रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी के, जो हेल्थ और सेफ्टी है उसके लीगल रीजंस क्या है, कानूनी जिम्मेदारियाँ कौन कौन सी, क्यों हमें ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क क्या है, ये सारा देखना। फिर उसके बाद एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयर होता है जो जॉब देता है और एम्प्लॉई होता है जो जॉब करता है, तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, क्यों मालकान के लिए ज़रूरी है, जो सीनियर ऑफिसर्स उनके लिए क्यों ज़रूरी है, वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स, वर्कर की क्या जिम्मेदारियाँ, सिर्फ एक नहीं कि मालिक ही करेगा, वर्कर नहीं अपना ख्याल रखेंगे, वो भी अपना ख्याल रखेंगे पूरी तरह से, और उनके राइट्स क्या, उनके हकूक क्या क्या क्या, द रोल ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जो हमारी एनफोर्समेंट एजेंसी होती हैं जो फोर्स के साथ, ताकत के साथ कानून नाफिज करती हैं, जैसे पुलिस है, सिविल डिफेंस है, ऐसे बहुत सारे महकमे हैं जो ताकत के साथ ये काम करते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं आपके, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कम्प्लायंस, कॉन्सिक्वेंसेस नतज नॉन कम्प्लायंस, यानी कि जब आप उनकी तामील नहीं करते जो गवर्नमेंट ने आर्डर किया है, जो गवर्नमेंट का कानून है उस पर अमल दरामद नहीं करते, तो उसके नतीजे में हमें क्या सजा भुगतनी पड़ेगी। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए मजीद तो हम वो कहाँ से लेंगे। फिर हु डज वट इन ऑर्गेनाइजेशन, कौन क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉयर क्या करेगा, ये क्वेश्चन उन्होंने नए शामिल किए हैं इसके अंदर, एम्प्लॉयर क्या करेगा, और दी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑक्यूपायर ऑफ प्रिंसेस, जो प्रिंसेस के अंदर और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कब्जा किया हुआ, जो वहाँ बैठे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है, पूरी डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है जी कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो वहाँ पे, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, तो फिर इसकी समरी होगी, फिर उसके बाद एग्जाम स्किल्स होंगी, ये सारी हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे लेक्चर्स में, साथ साथ आप लोग हमारे साथ तावन कीजिएगा। बेसिकली आप जो तावन करेंगे वो हमारे साथ नहीं करेंगे, वो अपने साथ आप करेंगे। तो तावन ये है कि आपने जो क्वेश्चन आए उसको पढ़ें, उसको पढ़ने के बाद कोशिश करें उसको याद करें और फिर उसे लिख कर हमें लाजमी भेजें। बाज़ुकात ऐसे होता है कि दो तीन लेक्चर आने के बाद आपको लेक्चर नहीं आता, उसकी रीज़न ये होती है कि जब हम देखते हैं कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो हम स्टॉप कर देते हैं कि शायद आपकी कोई मजबूरी होगी, कोई वजह होगी, तो जब फिर दोबारा आप करेंगे तो हम आपको इंशाल्लाह वो लेक्चर भेज देंगे। सबसे पहले तो आपको नोट्स मिल गए होंगे हमारे, ये नोट्स हमने बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं, क्वेश्चन वाइज तैयार किए हैं ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो और प्लस ये कि आप इंशाल्लाह अच्छे नंबर भी ले सकेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आपके सामने ये नज़र आ रहा है, इसमें लिखा है कि जनाब आज हम निबोध शाही जीवन के बारे में पढ़ेंगे, शुरू में सिर्फ टॉपिक्स दिए गए हैं, बेसिकली ये इंडेक्स है, जो बुक का इंडेक्स है कि वो है कि टॉपिक कौन कौन से हमने पढ़ने हैं। इसमें इंट्रोडक्शन टू की टर्म्स है, मॉरल रीजंस है, ये सारी डिटेल मैं पिछले लेक्चर में भी इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूँ। अब नीचे आके यहाँ पे इसका बेसिक टेस्ट सिस्टम और एग्जाम स्किल जो फुल बुक टेस्ट सिस्टम है, यहाँ से उसके नीचे लिखा हुआ कि यहाँ से याद करना शुरू करना है, तो आपने यहाँ से याद करना शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर वन में डेफिनेशंस दी गई हैं, डेफिनेशन मतलब बेसिक जो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, ये दो नंबर या एक नंबर की डेफिनेशन भी आ सकती है, लिहाजा इनको भी आपने देखना है। सबसे पहले आता है फिजिकल हेल्थ, सबसे पहले फिजिकल, द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इल हेल्थ, एब्सेंस का मतलब गैर मौजूदगी, कि बीमारी या जो कोई इल हेल्थ है, जो कोई मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब दोनों एक जैसे टॉपिक्स हैं, जैसे डिजीज़ भी बीमारी है और इल हेल्थ भी बीमारी में ही आ जाता है, कि ना कोई बीमारी हो और ना ही कोई ऐसा हमें जो फॉल्ट हो हमारे जिस्म में, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो इसका मतलब है कि फिजिकल हेल्थ बिल्कुल ठीक है। मतलब चेक करने से पहले कि आप बीमार हैं, या कम किसी से पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है तो वो कहता है जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसका मतलब कि ना उसे कोई बीमारी है, ना उसकी इल हेल्थ है, कोई बुखार है, ना उसे कोई नज़ला है, ना जुकाम है, ना उसकी कोई ऐसी कोई जिस्म में दर्द, कोई ऐसा चीज़ नहीं है, इसका मतलब है कि उसकी फिजिकल हेल्थ बिल्कुल ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे एक मिसाल दी है, वो मिसाल इन्होंने एक लॉन्ग टर्म मिसाल दी है, और बहुत छोटी छोटी मिसालें भी मौजूद है हमारे पास, जैसे जो केमिकल इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं वहाँ पर गैसेस के असरात फौरी तौर पर हमारे लंग्स पे पड़ते हैं। इवन कि मैं एक दफ़ा वो एक प्रैक्टिकल करवा रहा था, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर होता है वो हम लेकर आए, तो वो थोड़ा सा लीक था किसी वजह से, वो लीक हो उसके यानी कि उसकी जो वाशर थी वो लीक थी। तो जब मैंने उसको चलाया तो वो मेरी एक वीडियो भी है उसके अंदर, वो इसको देखा भी जा सकता है, वो सीधी ना उसकी जो गैस थी वो मेरे अंदर सांस के जरिए अंदर चली गई। उसने यह किया कि मेरी जो सांस की नाली थी उसको बर्न कर दिया। दो चार दिन पाँच दिन बाद मुझे खांसी शुरू हो गई, यकीन जाने कि मैं खासा बीमार हो गया उससे, इतनी मुझे तकलीफ रही, इतना मुझे प्रॉब्लम रहा, डॉक्टर को समझ ना आए, किसी को भी समझ ना आए। वो एक दिन कहीं मैंने वीडियो देख रहा था तो मैंने डॉक्टर को जाकर बताया कि मुझे लगता है कि उसकी वजह से ना हो, उन्होंने मुझे एंटी एलर्जी दी तो मैं ठीक हो गया। तो ये इल हेल्थ होती है, ये हमारी जो सेफ्टी के दौरान में या जो हमारी इंडस्ट्रियल, अब इंडस्ट्रियल में जिनके केमिकल्स होते हैं, एक फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल इस्तेमाल होता है टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा, वो हाथों पे लग जाए तो हाथ को जला देता है, जल्द ख़राब हो जाती है, उससे जख्म पैदा हो जाते हैं। इसी तरह एसिड जो है वो सांस के जरिए अंदर जा सकता है, कोई और भी उससे नुकसान हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इल हेल्थ कहलाती है। अब इन्होंने मिसाल जो दी है वो एक लॉन्ग टर्म मिसाल ये है कि एस्बेस्टॉस एक जो है एक केमिकल है, ये नीचे मैंने उर्दू में लिखा भी है कि जो टेक्सटाइल और दूसरे दारों में इस्तेमाल होता है, बेसिकली कपड़े के ऊपर लगाया जाता है ताकि उसको आग ना लगे, और कई चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है, एक अच्छा केमिकल है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है कि इसकी जो डस्ट है जिस वक्त जो बनाया जा रहा होता है या मिक्स किया जा रहा होता है तो ये पाउडर फॉर्म में होता है, अगर ये उड़ के हमारे सांस में ज़रा ज़्यादा मिकदार में चला जाता है तो हमें उस वक्त कोई तकलीफ नहीं होती, कोई पता नहीं चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कोई 10 से 20 साल के बाद जाकर वो जो है कैंसर हो जाता है, लंग्स कैंसर हो जाता है। ये बहुत डेंजरस है, इसके रिजल्ट बहुत बाद पता चले, पहले तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग पड़ा था लेकिन अब इस पर काफ़ी ज़्यादा पाबंदी लग चुकी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दी फॉर एग्जाम्पल एस्बेस्टॉस क्रिएट ए हेल्थ रिस्क बिकॉज इफ़ यू इनहेल एस्बेस्टॉस डस्ट, इनहेल का मतलब सांस के जरिए अंदर ले जाना, एस्बेस्टॉस केमिकल है, उसकी डस्ट जो उसकी जो पाउडर है वो हमारे अंदर चला गया तो वो लंग्स कैंसर हो सकता है, बीमारी हो सकती है, ये 10 से 20 साल के अंदर ये चीज़ देखी गई है। यहाँ पे आप क्योंकि अभी आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप अपनी जैसे मैंने और मिसालें दी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निपोच वाले क्योंकि चेकर जो है वो खुद अंग्रेज है, लिहाजा इसमें कोई इशू नहीं होता, वो आपकी किसी भी अच्छी तहकीक को मतलब अब्लाइज करते हैं। इसके बाद साइकोलॉजिकल हेल्थ है, साइकोलॉजिकल हेल्थ बुक के अंदर नहीं दी गई लेकिन हमने इसको शामिल किया, इसको थोड़ा सा वो और अंदाज में करते हैं, मैंने इसकी डेफिनेशन इसलिए बना दिया ताकि आपको समझ आ सके। सेफ्टी एंड हेल्थ नॉट ओनली रिलेटेड टू फिजिकल इल हेल्थ, कि सेफ्टी और हेल्थ सिर्फ जो ज़ाहरी नज़र हमें बुखार बीमारी को तकलीफ वो नहीं है, बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल इल हेल्थ, नफसियाती बीमारियों भी इससे बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। मसलन जो यहाँ पे एक्सपोजर टू एक्सट्रीम स्ट्रेस कैन लीड टू ए नर्वस ब्रेकडाउन, मसलन एक बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में, उसका मालिक जो है वो बहुत ज़्यादा उसको गालियाँ देता है, परेशान करता है, तंग करता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, उससे असरात हो सकते हैं। एक बंदा जनरेटर के जो हैवी जनरेटर उसके पास काम करता है, उसकी आंखों के पर्दे जो है वो ख़राब हो सकते हैं, उसके कानों के पर्दे ख़राब हो सकते हैं, उससे हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, उसके अंदर हाइपरटेंशन बढ़ सकती है, कई बीमारियाँ ये आगे डिटेल में आएंगी हमारी। तो ये भी साइकोलॉजिकल इल हेल्थ भी जो है ये बहुत ज़्यादा है। इसके बाद सेफ्टी है कि एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सनल इंजरी, कि अगर आपको कोई जख्मी होने का कोई ख़तरा नहीं है तो इसका मतलब सेफ्टी है। देखिए ना सेफ्टी, मैं कहता हूँ जी कि यहाँ से आप गुजर जाए, वो कहते हैं जी यहाँ पे सेफ्टी है, तो सेफ्टी का मैं कहता हूँ जी यहाँ से गुजरते हुए ना आपको कोई तकलीफ होगी, ना आप स्लिप होंगे, ना ट्रिप होंगे, ना फाल होंगे, ना गिरेंगे, ना आपको कोई जख्म लगेगा, ना आपको कोई चोट लगेगी, तो इसका मतलब है कि ये सेफ्टी है। फॉर एग्जाम्पल अब वो मिसाल दे रहा है वॉकिंग अंडर ए लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए क्रेन, एक क्रेन के ऊपर लोड लटका हुआ बहुत ज़्यादा हैवी वजन है, ड्यूरिंग ए लिफ्टिंग ऑपरेशन और लिफ्टिंग हो रही है, इज नॉट सेफ बिकॉज इफ द लोड फॉल्स सीरियस पर्सनल इंजरी और डेथ कुड बी रिजल्ट, कि अगर वो एक क्रेन के ऊपर से गुजरा और अगर नीचे से गुजरना खतरनाक इसलिए है कि अगर वो गिर गया तो या तो बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाएगी, जख्मी हो जाएगा बंदा, और या फिर उसकी मौत वाकई हो सकती है। स्टेइंग आउट ऑफ द डेंजर एरिया रिजल्ट इन सेफ्टी, अगर डेंजर एरिया से आप बाहर हैं तो सेफ्टी है। अब आ जाता है वेलफेयर, वेलफेयर स्टैंडर्ड्स भी है, वेलफेयर भी इसे कह सकते हैं। एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटी तक अगर एक्सेस है, मसलन टॉयलेट फैसिलिटी है, ये हमारा वैसे ही आगे अगले क्वेश्चन में भी मैंने यही दोबारा से लिखे हैं और ये आप याद इसको करेंगे तो वही दोबारा रिपीट हो जाएंगे। एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज सच एज मसलन टॉयलेट फैसिलिटी है, हैंड वॉश फैसिलिटी है, चेंजिंग रूम की फैसिलिटी है, रेस्ट रूम की फैसिलिटी है, प्लेस वेयर फूड कैन, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे खुराक तैयार की जा सके, गर्म करके खा सके, कुछ तो कर सके ना।
बेसिक फर्स्ट एड की हो सकती है, ड्रिंकिंग वाटर की हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी जो है बेसिक वेलफेयर स्टैंडर्ड्स में आ जाती है। इसके बाद फिर जो बाकी वर्क प्लेस का सेफ होना, इक्विपमेंट्स का सेफ होना, इसके बाद दूसरी चीज़ें वो बेसिक वेलफेयर स्टैंडर्ड में नहीं आती, वो फिर आगे जो कंप्लीट वेलफेयर स्टैंडर्ड्स में आती है कि जो बल्कि उसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में आती है, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें बेसिकली चार बेसिक डेफिनेशंस हैं, ये हमें पूछी जा सकती होती हैं और इसलिए इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। एलिमेंट वन का क्वेश्चन नंबर टू पढ़ेंगे जिसमें कि आपको इसकी मॉरल रीजंस बताई गई हैं कि क्यों ज़रूरी है हेल्थ और सेफ्टी को वर्क प्लेस के ऊपर नाफज करना, इसकी मॉरल रीज़न क्या है। द मॉरल रीज़न फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, जो अभी बुक नहीं आई है उसमें इन्होंने शुरू में जो है वो पहले स्टैटिक्स दिए गए हैं कि होता क्या, दुनिया में कितने लोग मरते हैं, 3,50,000 वर्कर जो है वो फैटल एक्सीडेंट से रिपोर्ट होते हैं उनके कि उनके साथ हुआ है, फिर 2.75 मिलियन पीपल मर जाते हैं हर साल, फिर उसके बाद 2.4 मिलियन है जिनकी डेथ होती है इस वजह से कि वो मतलब ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की वजह से, बीमारियों की वजह से, और 270 मिलियन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स होते हैं, 160 मिलियन ऑक्यूपेशनल डिजीज़ रिकॉर्डेड होती है हर साल। एक पूरी डिटेल दी हुई है लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ब्रैकेट में ये बात कह दी है कि यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर द एक्चुअल फिगर्स, वी गिव देम टू हाईलाइट द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। हमने सिर्फ प्रॉब्लम को बताया, पिछली बुक में ये जो है साइज ऑफ द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम लिखा हुआ था इसमें कि कितने ज्यादा है, अब इसमें इन्होंने थोड़ा सा इसको चेंज करके मॉरल रीजन के साथ अटैच कर दिया है, लेकिन असल में ये शुरू होता है इसके बाद नीचे जाके जहाँ पे ये दी स्टैटिक इंडिकेट्स दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ पेन इज एंड सफरिंग। अब ये मैं उनकी बुक के हिसाब से पढ़ रहा हूँ लेकिन यहाँ पे हमने आपकी आसानी के लिए इसको इस तरह से मैनेज किया है कि जो आपने क्वेश्चन में आंसर देना है, क्वेश्चन में आपने ये नहीं लिखना कि हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है, वो एक और अंदाज है, ठीक है। यहाँ पर आपने जस्ट इसको इस तरह से करना है कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है द मॉरल रीजन रिलेट्स टू द मॉरल ड्यूटी, मॉरल रीजन जो है उसकी मॉरल ड्यूटी के साथ उसका तल्लक है कि एक पर्सन has to another, जो एक बंदे की दूसरे बंदे के ऊपर एक अखलाकी जिम्मेदारी है वो ये है कि वो उसका ख्याल रखे, अगर वो बाप है तो अपने बच्चों का ख्याल रखे, अगर बच्चे हैं तो अपने बूढ़े बाप का ये ख्याल रखे, उसकी मदद करें, जो मतलब ये सारी चीज़ें। मैनी पीपल आर किल्ड, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, इंजर्ड या जख्मी हो जाते हैं और मेड सिक बाई देयर वर्क, अपने काम की वजह से बीमार हो जाते हैं। दिस इज मॉरली अनएक्सेप्टेबल, ये मतलब अनएक्सेप्टेबल है कि हम इसको ये तस्लीम करें अखलाकी तौर पर। एंड सोसाइटी एज ए होल डिमांड्स दैट पीपल शुड सेव वाइल एट वर्क, और फिर सोसाइटी क्या डिमांड करती है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको सेफ होना चाहिए। तो ये एम्प्लॉयर जो है हमारा, जो जॉब देने वाला है, जो जॉब को फ्राहम कर रहा है, जो मालिक है या बहुत सीनियर जो जो लोग हैं वो, उनकी थ्रू मैनेजमेंट, अपनी मैनेजमेंट के थ्रू उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर छोटा दारा तो वो डायरेक्ट जिम्मेदार है, अगर बहुत बड़ा दारा है तो ये मालकान की जिम्मेदारी है कि अपनी मैनेजमेंट के थ्रू कंट्रोल द प्रेमसेस, अपनी प्रेमसेस को कंट्रोल करें, इक्विपमेंट्स, वर्किंग प्रैक्टिस यूज बाई द वर्कर टू प्रोड्यूस द गुड एंड सर्विसेज, गुड्स जो वहाँ पे चीज़ें जो हैं और जो सर्विसेज हैं जो एम्प्लॉयज को रिक्वायर हैं वो सारी चीज़ों के वो जिम्मेदार हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। तो एम्प्लॉयर देयरफॉर हैव द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एम्प्लॉयर की फिर ये अखलाकी जिम्मेदारी है टू प्रोवाइड सेफ एंड हेल्थी वर्क प्लेस एंड बेसिक फैसिलिटीज टू एम्प्लॉय, और ये उसकी जिम्मेदारी है। अब अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा याद नहीं कर सकता तो वो पहली जो दो लाइनें हैं द मॉरल रीजन रिलेट्स टू द मतलब ये, फिर मैनी पीपल किल्ड पहला फिक्र करके उसके बाद ये फिक्र एक दरमियान में छोड़ दे, एम्प्लॉयर्स थ्रू मैनेजमेंट कंट्रोल द प्रिंसिपल, और फिर नीचे यहाँ से शुरू कर दे कि एम्प्लॉयर देयरफॉर हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये वही क्वेश्चन है जो पहले क्वेश्चन में जो सहूलियात दी गई थी, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो सारी उसके अंदर आ जाती है। इसके बाद इन सिंपल टर्म्स ये उन्होंने नया फिक्र शामिल किया कि सिंपल टर्म्स में मॉरल रीजन कैन बी समराइज्ड एज इट इज द राइट थिंग टू डू। मॉरल रीजन को अगर साफ लिखा जाए तो ये कि इट इज द राइट थिंग टू डू, कि ये सही काम है जो हमें करना है। इट इज द राइट एंड प्रॉपर दैट वर्कर गो टू वर्क टू अर्न ए लिविंग एंड रिटर्न होम इन द सेम स्टेट नॉट सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ आर सीरियस पर्सनल इंजरी, कि जिस हालत में वो वर्कर आपके काम पे गए हैं उसी हालत में सेम स्टेट पे वापस भी आए, तो ना वो बीमार हो और ना ही उन्हें कोई जख्मी हो या कुछ चोट लगे, ठीक है ना। तो
तो अब ये नीचे जो एक फिक्रा है, फिर ये जो वही जो उन्होंने शुरू में दिया था ना, मैंने उसको इस फिक्रे के बुक के एंड पे दे दिया है, इस क्वेश्चन के एंड पे। ये वही चीजें इनको मैंने लिखा कि ऐसा याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन अंडरलाइन ऐसा याद कर ले तो बेहतर होगा। ठीक है, द फॉलोइंग ग्लोबल स्टैटिक्स हैव बीन पब्लिश्ड इन द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसने इस प्रोग्राम के बारे में लिखा है। इसको याद करने की जरूरत नहीं, ये उन्होंने भी ये फिक्रा लिखा, मैंने भी उसी को वैसे लिख दिया कि देर आर 270 मिलियन ऑक्यूपेशन एक्सीडेंट्स एंड 160 मिलियन ऑक्यूपेशन डिजीज रिकॉर्डेड ईच ईयर। एक ये फिक्रा याद कर ले, एक स्कैंड वाला जो है कि जिसमें टोटल कितने रिलेटेड फैटल एक्सीडेंट्स जो है वो हर साल होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जरा देखें कि फाइनेंशियल रीजन के बारे में आ गया। अब जो था ना पहले उसमें मॉरल, लीगल और फाइनेंशियल, ठीक है, अब इसमें लीगल वाले को उठा के एंड पे ले गए हैं, ठीक है, बस इतना सा फर्क हुआ है, बाकी वही चीज है। फाइनेंशियल रीजन जो है वो क्या है कि पर्सनल इंजरी, एक्सीडेंट, वर्कर इल हेल्थ, प्रॉपर्टी डैमेज, कॉस्ट मनी। पर्सनल इंजरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस पर खर्चा आता है। When an accident occurs, there will be a direct or indirect cost associated with the event. जब हादसा होता है तो बहुत सारी direct cost है, कुछ खर्चे हमें direct नजर आते हैं, मसलन building तबाह हो गई, आग लग गई, कोई बंदा शहीद हो गया, कत्ल हो गया, जख्मी हो गया, कोई उसको चोट लग गई, कोई उसके साथ कुछ भी हो गया, ये direct cost है। और indirect cost क्या है कि हमारी reputation बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, जो हमने order देना था कल शाम तक वो अब हो सकता है 10 दिनों पर पड़ गया है। ठीक है, जो हमारे एक वर्कर जख्मी हुआ है, सिंपली उसके बाजू पे चोट लग गई है, खून बहुत बहा है, उससे जो देखने वाले हैं, जो उसके साथ काम करने वाले लोग हैं वो खौफजदा हो गए हैं, उन्हें अपनी हिम्मत जवाब दे गई है उनकी, उनका काम करने को दिल नहीं कर रहा है, ये सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। फिर जो वर्कर हमारा जख्मी होकर गया है उसकी जगह नया वर्कर कहाँ से लाए हम, ठीक है ना, तो उसे ढूंढना बड़ा मसला होगा कि हम उसे कहाँ से ढूंढते फिरेंगे। फिर इस तरह की कई जॉब डिटेल में आएंगे हमारी ये सारी चीजें जो है। तो एक्सीडेंट एंड हेल्थ कैन सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द प्रॉफिटेबली of an organization and in some cases can put an organization out of business. ये जो इन हेल्थ है, जो एक्सीडेंट्स हैं, ये हमारे प्रॉफिट को भी नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे बिजनेस को भी नुकसान, बाज़ औक़ात तो बिजनेस से बाहर कर देते हैं, बिजनेस खत्म हो जाता है, इतना ज्यादा बाज़ औक़ात इनका असर होता है। इसको बहुत ईजी नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही बड़ा नुकसान कर सकते हैं हमारा। दिस इज फाइनेंशियल आर्गूमेंट फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। तो इट इज सम टाइम रेफर्ड टू एज द बिजनेस केस बिकॉज इट फोकस ऑन मनी। ये बहुत ज्यादा बिजनेस पर इन्वॉल्व है, इसके बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा असरात है, क्योंकि ये सारा जो बिजनेस हमारा होता है वो सारा मनी पे फोकस होता है। व्हेन एन एक्सीडेंट अकर देयर विल बी ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो मनी जब हमारा पैसा ही जाया हो गया तो हमारा सारा बिजनेस खत्म हो गया। तो व्हेन एन एक्सीडेंट अकर, जब हादसा होता है तो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है या इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेंगे। व्हेन एन एक्सीडेंट अकर्स, टू टाइप्स ऑफ लॉसेस, दो तरह के लॉसेस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। द मेजरेबल कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सीडेंट, मेजरेबल जिसकी पैमाइश की जा सके, ऐसी मसलन गिना जा सके कि लो जी 2000 रुपये का ये चीज़ टूट गई है, 5000 की ये टूट गई है, 1,00,000 रुपये की वो जो है छत खराब हो गई है, फलां हो गया, ये गिने जा सकते हैं, ये डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है दोज विच अराइज इनडायरेक्टली एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इवेंट। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब नतीज, कि वो जो इनडायरेक्टली तौर पर नतीजे के तौर पर उसके सामने आते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ऑफन डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाई precisely and may be hard to identify. Indirect cost जो है वो कहता है कि difficult है, मुश्किल है कि उसको quantify गिना जा सके precisely पूरी तफसील के साथ, और hard to identify, और ये मुश्किल है कि उसको identification की जा सके, मतलब उसको बयान करना इतना easy नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसकी जो examples पढ़ेंगे, आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है, आप इसको वही करेंगे जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, लिख के आपने हमें भेजना है। अल्लाह हाफिज़।